हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल मैथ्स पे आपका स्वागत है। आप लोग ने अभी तक नंबर सिस्टम का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा। अब हम लोग 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 लेके आए हैं और ये 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 है एनसीईआरटी सिलेबस का। और डिजिटल मैथ्स आपको हर इस तरह से हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। सो उसके लिए आपको यहाँ पे हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। क्लियर? नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने समझाया था, उसके अंदर सारे फॉर्मूलाज कवर किए थे और कौन कौन से नंबर्स हैं और किस किस टॉपिक के बारे में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो चीज आपको बताया था। सो प्लीज अगर नहीं देखा है तो एक बार आप गो थ्रू हो जाओ, ताकि फॉर्मूलाज जो है आपने नोट डाउन नहीं किए तो नोट डाउन कर लो, ताकि वो फॉर्मूलाज आपके काम आएंगे। सो मेक श्योर के फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ आपने देख लिए हो अच्छे से। क्लियर? सो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में है, उसके लिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बट याद रखना, इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें, ताकि हमारा जो डिजिटल मैथ्स का मेन एम है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ना करें, पहले समझें, सीखें, फिर खुद कोशिश करें। क्लियर? ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन इज जीरो अ रेशनल नंबर, अगर है या नहीं वो पूछा है। यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो, आपने अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि जीरो रेशनल नंबर है या नहीं। देखो, रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या जीरो को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, जीरो को भी पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे जीरो अपन वन तो जीरो ही रहेगा, लेकिन पी बाई क्यू फॉर्म हो गया, जहां पे क्यू जीरो नहीं है, सो इट इज अ रेशनल नंबर। जीरो अपन टू लिख सकते हो, जीरो अपन थ्री लिख सकते हो, ऐसे जीरो अपन हंड्रेड लिख सकते हो। सो जीरो भी रेशनल नंबर है। सो वही हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे। सॉल्यूशन, यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी बाई क्यू फॉर्म। कैसे? तो पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ जीरो आर जीरो वन, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन। मतलब कोई भी नंबर 0/1000 ही क्यों ना कर दो, 1000 ही क्यों ना कर दो, 2000 क्यों ना कर दो, यू विल गेट जीरो ओनली। सो जीरो इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को डिनोट हम क्या करते हैं? आर से। तो जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है? जीरो, जिस भी नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और प्लीज कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिख दें कि सर ये पार्ट हमको समझ नहीं आया, क्योंकि डाउट रहेगा तो आप कर नहीं पाओगे। इससे बेटर है डाउट अगर हो तो क्वेश्चन कमेंट में लिख दें कि सर ये चीज समझ नहीं आई, ताकि आपका सॉल्यूशन में करवा सकूं। क्लियर? सो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट आपने देखा होगा तो मैंने बोला था 3 एंड 4 अगर दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं? इनफिनाइट। लेकिन हमको कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने को बोला है? हमको बोला है 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए। कितने? 6। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं इजी मेथड्स आपको बताता हूं क्या करना है। 3 है, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय 10 कर दो, एंड लगाओ बीच में। 4 को भी 10 से मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड कर दो। सो आंसर क्या आएगा? 3 × 10, दैट इज आपका आंसर हो जाएगा 30/10, एंड 4 वाला जो है 40/10। बस अब आपको कितने रेशनल नंबर चाहिए? 6। सो आपके रेशनल नंबर्स हो गए 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। इससे आगे भी आपको अगर 10 पूछे तो भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन 6 रेशनल नंबर पूछे तो हमारे ये राइट हो गए। समझ में आया? क्लियर? दूसरा मेथड एक और है, ये मेथड बहुत इजी है, सबसे इजी। दूसरा मेथड है, अगर आपको 6 रेशनल फाइंड करना को बोला है, क्लियर, 6 रेशनल फाइंड करने को बोला है, तो आप क्या करो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 × 7 और डिवाइड भी 7 से कर लो, 4 × 7 डिवाइड भी 7 से कर लो। सो 3 × 7 क्या होता है? 21/7, एंड 4 × 7 क्या होता है? 28/7। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। समझ में आ रहा है? लेकिन आपको इजी मेथड यूज करना है जो मैं बताता हूं, जैसे कि आपको बता दिया ऑलरेडी। सॉल्यूशन टू फाइंडिंग 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ द नंबर्स बाय 10। किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है? 10 से। मैंने बताया था 3 × 10/10, 4 × 10/10 यानी हो जाएगा 30/10 एंड 40/10, यानी देयरफॉर 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर क्या हो जाएगा?
31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 एंड सो ऑन इफ यू वांट मोर. अगर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा से आप कर सकते हो, आगे ले जा सकते हो 37/10, 38/10, 39/10, बट हमको 6 पूछे तो मैंने 6 रेशनल नंबर्स लिखे हैं. समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से और होना भी होगा भी नहीं. क्लियर? सो दिस आर 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. हम लोग अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने को बोला है? 5 रेशनल नंबर. तो सेम चीज आप क्या करो, 3/5 को 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड कर दो और 4/5 को भी 4/5 को भी 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड. सो हो जाएगा 30/50 एंड 40/50. आपको कितने चाहिए 5 रेशनल नंबर्स? तो बस 5 रेशनल नंबर्स आपके आ गए, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50. क्लियर? आंसर्स आ गए. बस सेम मेथड आपको करना है जो आपने इससे पहले किया है. तो सॉल्यूशन फॉर फाइंडिंग 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ द नंबर्स बाय 10. क्योंकि 10 वाला है बहुत इजी ट्रिक है, इसलिए मैं 10 का ही यूज कर रहा हूं. दूसरा मेथड आपको लिए यूज बता ही नहीं रहा हूं, आप उसको ही फॉलो कर सकते हो. 3/5 × 10/10, 4/5 × 10/10, यानी हो गया 30/50 एंड 40/50. सो देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50. मैंने 36/50 भी ले लिया, लेकिन आपको 5 ही चाहिए. तो जितने ज्यादा चाहिए उतने नंबर्स लिखो, बाकी के छोड़ दो. एंड सो ऑन इफ वी वांट मोर. अगर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा लिख सकते हैं. समझ में आ रहा है? बहुत इजी है. सो प्लीज मेक श्योर आप समझें उसको, ध्यान से करें. बहुत इजी ट्रिक मैंने बताया. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर. मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, वो ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू या फॉल्स? देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5. होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4. ये इंफिनिटी में बोलूंगा, ये भी इंफिनिटी, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स के अंदर आते हैं. तो फर्स्ट वाला जो है आपका 2 हो जाएगा. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सो आंसर इज ट्रू. बिकॉज एज वी नो नेचुरल नंबर बिगिंस फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, एंड ऑल द नंबर्स आर इंक्लूडेड इन होल नंबर्स. क्यों? होल नंबर्स में 0 से इन्फिनिटी है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर है? नहीं, इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं एंड नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, लेकिन होल नंबर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स है. तो सारे के सारे इंटीजर्स हम लोग होल नंबर्स नहीं बोल सकते, तो इट इज फॉल्स. बिकॉज इंटीजर्स आर नेगेटिव एज वेल वेर होल नंबर इज ओनली पॉजिटिव, तो ये फॉल्स हो गया आपका. थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर है? नहीं बोल सकते, क्योंकि रेशनल नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जैसे 3/4, तो 3/4 रेशनल नंबर है. क्लियर? लेकिन वो होल नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर्स में तो 0, 1, 2, 3 कोई फ्रैक्शन होता ही नहीं है, बट रेशनल नंबर में तो सारे फ्रैक्शन होते हैं. सो फॉल्स, बिकॉज रेशनल नंबर्स कुड बी नेगेटिव एंड पी बाई क्यू फॉर्म एज वेल, वेर एज होल नंबर्स आर नॉट नेगेटिव और पी बाई क्यू फॉर्म में, सारे के सारे पी बाई क्यू फॉर्म में, मतलब नॉर्मली 3/4 वाले नहीं होते. क्लियर? सो इट इज फॉल्स. समझ में आया? सो दिस वॉज एक्सरसाइज 1.1. ये पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो चुकी है. प्लीज गो थ्रू करें, बार बार इसको देखें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें. क्वेश्चन नोट डाउन करो, पेन पेंसिल लेके नोट डाउन करना. सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, मैथ्स है, मैथ्स में सॉल्व करने पर ही मिलता है. सो सॉल्व करोगे तो ही जब मैं नेक्स्ट टाइम आपकी एग्जाम लूंगा तो आपका पेपर, ये चैप्टर पूरा कवर होना चाहिए, हर एक एक्सरसाइज कवर होनी चाहिए, तो ही आप टेस्ट दे पाओगे. और मेनली हम लोग ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करेंगे. सो प्लीज राइट, ऑनलाइन तो ऑब्जेक्टिव ही हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हम लोग नहीं करेंगे, बट फिर भी कोशिश करना है कि आप लोग सब अटेंड करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. इसी तरह से डिजिटल मैथ्स चैनल के ऊपर सारा कंटेंट देखते रहें, ताकि आपका हर एक सॉल्यूशन आपको मिले और आप कुछ सीख सके. मेन चीजें हमको सीखना है, आप सीखोगे तो ही आप आगे जाके, आपको ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर बहुत ईजी था. जब भी आप क्लास में पढ़ोगे तो आपको लगेगा नहीं बहुत ईजी था.
सो यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन और सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने हैं यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखनी है. सो दूसरों को भी मदद कीजिए, दूसरों को शायद भी शेयर कीजिए ताकि डिजिटल मैथ्स के साथ वो सारे के सारे चैप्टर्स इजी वे में सीख सके. सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए. थैंक यू वेरी मच.